मसरूफ तो नहीं? नहीं, ऑफिस का काम खत्म हुआ है, घर के लिए निकल रहा था कि तुम्हारी कॉल आ गई। देखो अलीम, नायला अब खैर से घर आ गई है, तुम उसे समझाओ। वो अमी और जमर को चलते फिरते कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। अभी नायला को आई हुई देरी कितनी हुई है कि उसने बातें भी सुनाना शुरू कर दी। वाह, तुम जानते हो कि जिमल जैसी लाइक लड़की हमारी पूरी फैमिली में नहीं है। हमारे खानदान के लड़के तो क्या, किसी लड़की ने भी आज तक स्कॉलरशिप पर नहीं पढ़ा। आखिरकार नायला को उसे क्या मसला है? ये तुम्हारी गलत फहमी है। भला नायला को जिम्मल से मसला क्या हो सकता है? वो तो जिम्मल का इतना ख्याल रखती है। अलीम, उसने अम्मी से कहा है कि आप जिम्मल को क्यों पढ़ा रही हैं, और जिम्मल तक को उसने इतना कुछ कहा है। मैं नहीं मानता कि उसने जिम्मल को इतनी बातें सुनाई होंगी। इनफैक्ट वो तो जिम्मल की पढ़ाई पे बहुत खुश है। अलीम, अगर अम्मी कुछ नहीं कहती तो इसका ये मतलब नहीं है कि नायला का जो दिल चाहे वो कहे। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि अम्मी ही तुम्हें नायला के खिलाफ भड़काती है। वो ऐसा क्यों करेंगी? अलीम, बात को गलत रंग मत दो। तो बात को इस तरह भी लिया जा सकता है कि नायला को जिमल की फिक्र है। प्लीज अम्मी और जिमल के खिलाफ दिल में कोई बात मत रखना। और तुम भी मेरी बात एक कान खोल के सुनो, तुम भी नायला के खिलाफ कोई बात ना ही करो तो बेहतर है। हम अपनी जिंदगी में खुश हैं और सुकून से रहने दो। अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो।